नमस्कार दोस्तों, अ डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल एडवाइजरी के कुछ बेसिक्स की। बहुत से यूजर्स का हमारी वेबसाइट पे, इस यूट्यूब चैनल पे कहना है कि उनको फाइनेंशियल एडवाइजरी की बेसिक समझ नहीं है। उनको ये जानना है कि फाइनेंशियल एडवाइजर्स करते क्या हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, किस तरीके से वो पैसा कमा के देते हैं क्लाइंट को, एट द सेम टाइम क्या उनको भी जरूरत है या नहीं। एट द सेम टाइम हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बताएंगे एक ऐप के बारे में जिसका नाम है मार्केट स्मिथ इंडिया। ये एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी ऐप है जो कि आपको स्पेसिफिक लेवल पे टिप्स प्रोवाइड करते हैं मिड टू लॉन्ग टर्म पोजीशन पे। अगर आप जाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट देखना चाहते हैं, उसमें मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो उसमें आपकी मदद करते हैं। खैर, बात करते हैं मेन मुद्दे की, फाइनेंशियल एडवाइजरी बेसिक्स की। तो आइए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और हमारी रेगुलर वीडियोज के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो दोस्तों, एक छोटी सी केस स्टडी करते हैं। पिछले साल जनवरी में जब स्टॉक मार्केट नए हाई छू रहा था, तब ये जो कपल है, तरंग वशिष्ठ और इनकी वाइफ चांदनी, इन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाया जाए। इनके दो गोल्स थे, इनको बेसिकली एक घर खरीदना था और एक नया बिजनेस शुरू करना था। तो उसके लिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना स्टॉक मार्केट में थोड़ा पैसा लगाया जाए और उसमें से जो इनका 5 लाख का जो डिफरेंस बन रहा था वहां से वो पैसा बनाया जाए, क्योंकि इनके पास 2 साल का ओवरऑल अवधि थी वहां पे। तो इन्होंने ऐसा सोचा और वहां पे अपने कुछ कलीग्स के थ्रू एडवाइस ली स्टॉक टिप्स की, और एट द सेम टाइम उनके कहने के बेस पे इन्होंने स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दिया उन स्टॉक्स के ऊपर। अब 10 महीने के अंदर ही इस बेचारे कपल ने 2 लाख रुपए का नुकसान खाया, ये वशिष्ठ का खुद का कहना है। मार्केट थोड़ी सी टंबल हुई और डिपेंडिंग इनके पोर्टफोलियो में क्या स्टॉक्स थे, इस पर्टिकुलर कपल ने 2 लाख का नुकसान खाया। बेसिकली क्या होता है, ये एक अकेली स्टोरी नहीं है। बहुत से यूजर्स, बहुत से लोग व्हाट्सएप पे, कोरा पे, अलग अलग एडवाइजरी कंपनी से टिप्स लेते हैं, पैसा लगाते हैं और बेसिकली अपना नुकसान कर बैठते हैं। अब आपको ये समझना है सबसे पहले कि फाइनेंशियल एडवाइजर कौन है, किस तरीके से वो आपकी मदद करेगा इस पूरे के पूरे जंजाल में, और क्या वो आपको पैसा कमा के दे सकता है। अब फाइनेंशियल एडवाइजर के बहुत से नाम हैं। इसको आप फाइनेंशियल प्लानर, वेल्थ मैनेजर, मनी मैनेजर, रिटायरमेंट प्लानर या खुद फाइनेंशियल एडवाइजर भी कह सकते हैं। इनका काम बेसिकली क्या है, ये आपको मदद करते हैं अच्छा खासा पैसा बनाने में और उसको निवेश करने में अलग अलग एवेन्यूज में। हालांकि ज्यादा लोगों को पता नहीं है कि किस तरीके से फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले सकते हैं। हाँ, जज कैसे करना है उसके लिए आपके लिए एक वीडियो बना रखा है। अभी आपको राइट साइड में आइकन आ जाएगा, उस पर क्लिक करके आप वो 5 सवाल पूछ सकते हैं इस वीडियो को जानने के बाद कि किस तरीके से जज करना है एक फाइनेंशियल एडवाइजर को। खैर, फाइनेंशियल एडवाइजर बेसिकली आपके ओवरऑल खर्चे बचाता है, आपको सेव कैसे करना है उसकी टेक्निक्स बताता है, किस तरीके से स्मार्टली निवेश करना है वो बताता है। अगर आपको जरूरत पड़े मार्केट से पैसा लेने की, बोरो करने की, तो कॉन्शियसली आप कैसे कर सकते हैं कम इंटरेस्ट रेट पे, और खर्चा आप वाइजली कैसे करते हैं। तो काफी चीजें हैं जो आपको समझ के एक तरीके से समझाता है। और एट द सेम टाइम अगर आप रिटायरमेंट के लिए सेविंग कर रहे हैं, कॉलेज फीस जुटा रहे हैं, अपनी गाड़ी खरीदनी है, घर बनाना है, हाई इनकम जनरेट करनी है अलग अलग सोर्सेज से, टैक्स के बर्डन कम करने हैं, कोई भी आपका रीजन हो, आप फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले सकते हैं। बेसिकली एक फाइनेंशियल एडवाइजर करता क्या है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल पे काफी काम है। सबसे पहले वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जानने की कोशिश करेगा, आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स जानने की कोशिश करेगा कि आपने पैसा कितनी टाइम में आपको ओवरऑल लेवल पे बनाना है, एनालाइज करेगा इन्फॉर्मेशन को और उसके हिसाब से स्ट्रेटेजिक लेवल पे प्लानिंग करेगा। क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के बेस पे आपसे रिस्क लेवल पूछेगा। बहुत से यूजर्स का अलग अलग लेवल का रिस्क होता है एपेटाइट। कई लोगों को ज्यादा रिस्क लेना पसंद है, कई लोग बिल्कुल रिस्क लेना नहीं चाहते, कई लोग मीडियोकर लेवल पे रिस्क लेने को ओपन रहते हैं। टेक्निकल सॉल्यूशन भी आपको ये प्रोवाइड करेगा किसी न किसी ऐप के थ्रू या वेब एप्लीकेशन के थ्रू, जिससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक कर सके। और भी काम होते हैं, इसके अलावा आपको नए और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के बारे में समझाएगा कि किस तरीके से आप निवेश कर सकते हैं, पोर्टफोलियो बना सकते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज को डिजाइन करेगा, वो आपके लिए क्लाइंट्स के ओवरऑल लेवल पे जो मीटिंग फाइनेंशियल नीड्स होती हैं उनको मीट करना जरूरी है, डिमांड्स को मीट करना जरूरी है एक फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए। और फाइनली अपना काम भी देखना है, उसको सेल्स टारगेट ओवरऑल लेवल पे अचीव करते हैं।
और फाइनली वो खुद को भी अपडेट रखता है मार्केट में जो नई डेवलपमेंट आ रही है निवेश को लेके, और फिर वो क्लाइंट्स को बताता है वो सारी इन्फॉर्मेशन सिंपल भाषा में। अलग अलग लेवल पे एजेंट से वो नेगोशिएट करता है ताकि वो अपने क्लाइंट्स को रेगुलर लेवल पे इकोनॉमिक लेवल पे अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, वैल्यू फॉर मनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। अब मेन मुद्दा आता है कि क्या आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत है। देखिए तीन चार रीजंस हैं। अगर आपको समझ नहीं है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ निवेश करना चाहिए और कितना आप हिडन फीस में दे रहे हैं, तो आपको जरूरत पड़ेगी, डेफिनेट लेवल पर पड़ेगी। अगर आपकी खुद की कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी नहीं है, आप फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं है, आप निवेश को नहीं समझते हैं, तब आपको फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत लगेगी। आपको अपने इनकम पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है, अलग अलग लेवल के ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में पैसा डालना है, तब जरूरत पड़ेगी। आपको नहीं पता कि पैसे को सेव कैसे करते हैं, उसकी एडवाइस लेने में आपको मदद लगेगी। आपके पास खुद के पास कोई बैकअप प्लान नहीं है, ना चाहते हुए भी खुद ना खास्ता अगर कुछ होता है आपको, तो क्या होगा आपके ओवरऑल पैसे का, किस तरीके से उसको आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते थे, ये चीज आपकी फैमिली के लिए, ये चीज आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर ही बता सकता है। अगर इनमें से कोई रीजन आपका भी है तो डेफिनेट लेवल पे वी विल सजेस्ट कि आपको भी एक फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लेनी चाहिए, और एट द सेम टाइम अपने निवेश को बहुत ही ऑब्जेक्टिव लेवल पे करना चाहिए। किसी व्हाट्सएप फॉरवर्ड, किसी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, किसी दोस्त के कहने पे, रिश्तेदार के कहने पे पैसे मत लगाइए। यहाँ पे आपको एक बैकग्राउंड चाहिए होती है टेक्निकल लेवल पे, उसी के बेस पे आप रिकमेंडेशन दे सकते हो। एनीवे, अगर आपको एक ऐप के बारे में हम बताएं जो कि आपको इसमें मदद कर सकती है, उसका नाम है मार्केट स्मिथ। बेसिकली ये एप्लीकेशन आपके निवेश को ट्रैक करने में तो मदद करती ही है। मोबाइल ऐप के थ्रू आपको ये आइडियाज लिस्ट देते हैं, पैटर्न रिकॉग्निशन देते हैं, चार्ट्स में मॉडल पोर्टफोलियो बना के देते हैं, एट द सेम टाइम यूजर अलर्ट्स भी आपको मिलती हैं। बेसिकली ये एप्लीकेशन ओवरऑल लेवल पे आपके स्टॉक मार्केट में निवेश के लिए मिड टू लॉन्ग टर्म पे आपको मदद करेगी, बताएगी कि कब आपको किस पर्टिकुलर लेवल पे निवेश करना है, कौन से स्टॉक में, रेटिंग्स देते हैं आइडियाज लिस्ट के थ्रू, पैटर्न रिकॉग्निशन के थ्रू, चार्ट्स में आपको मदद करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के लिए, मॉडल पोर्टफोलियो ये बना के देते हैं, और फाइनली जैसे बताया यूजर अलर्ट्स, आप नोटिफाइड रहते हैं जब भी कुछ मार्केट में ऊपर नीचे होता है। तो ये एप्लीकेशन आपको मदद कर सकती है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस लिंक को क्लिक करके और जान सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। होपफुली फाइनेंशियल एडवाइजरी को लेकर कुछ कन्फ्यूजन आपकी दूर हुई हो। अगर ऐसा है तो अगर आपको ये पसंद भी आई है वीडियो तो इसको लाइक जरूर करें, बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ता है ऐसी वीडियोज बनाने का। एट द सेम टाइम शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों को और इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल अर्न डिजिटल ब्लॉगर तो जरूर करें। ऐसे ही वीडियोस निवेश को लेके, स्टॉक मार्केट को लेके, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, एडवाइजरी कंपनीज को लेके हम वीडियोस लेके आते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।